को जो परसेंटेज पढ़ना था, आज मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आज हमें परसेंटेज पढ़ना था और परसेंटेज हमें दो तरीके से पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न पढ़ना था, उसी प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न आया है, किसी ने पूछा है, तो मैं सबसे पहले उसका जवाब दे दूंगा, तब आज की अध्याय शुरू करूंगा। लेकिन तब भी आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। वैसे मेरी हर एक क्लास होती है, ये भी क्लास महत्वपूर्ण होगी, लेकिन गणित की जो बेसिक रेस आपने शुरू की थी, उस रेस में आपको यह सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। आप आराम से अपने बेहतर तरीके से प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए मैं प्रश्न बोल के पहले एक प्रश्न आया है आपके द्वारा, आपके द्वारा पूछा गया, मैं उसका हल बता दूं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। उसमें ये है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 थी। अगर 5% प्रतिवर्ष की दर से जनसंख्या बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। उसके लिए मैंने बताया था, पहले वर्ष 105 बढ़ेगी, दूसरे वर्ष 105, किसे प्रश्न पूछा था उसी का जवाब दे रहे हैं, फिर तीसरे वर्ष 105/100। लेकिन अगर पूछा जाता कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, ठीक, अगर वो जनसंख्या ह्रास हो रहा है, मतलब जनसंख्या लगातार कम हो रहा है, तब क्या करेंगे भैया। जब कम हो रहा है प्रतिवर्ष 5 वर्ष, तो भैया ये हो जाएगा 95/100, फिर गुड़े 95/100, फिर गुड़े 95/100, अगर कम हो रहा है जनसंख्या। अभी प्रश्न यहाँ और बनेगा कि एक नगर की जनसंख्या 3 साल पहले पता नहीं क्या थी, माना यक्ष थी, माना 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी, यक्ष थी। अब कितनी बढ़ी, 105/100 बढ़ी, 105/100 बढ़ी, फिर 105/100 बढ़ी। 3 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या 8000 हो जाती है, तो 3 साल पहले नगर की जनसंख्या क्या थी, 3 साल पहले यक्ष थी। अगर ये पूछेगा तो ये लगाएंगे, और यह पूछेगा कमी पूछेगा ये, वृद्धि पूछेगा तो ये तीनों टॉपिक आप जानते रहिएगा, समझते रहिएगा। किसी ने यहाँ से प्रश्न पूछा तो मैंने तीनों तरह से बता दिया, तीनों तरह समझा दिया। अब आपकी इच्छा है कि क्या प्रश्न आपने पूछा था, क्योंकि मैंने आपका प्रश्न देखा नहीं, मैंने प्रश्न की भाषा से समझा दिया कि ऐसे अगर प्रश्न की भाषा होगी तो गणित में सवाल ऐसे लगेगा। क्योंकि हम तो शुरुआत से ही आपको गणित की भाषा ही तो सिखा रहे थे, हम तो गणित सिखाने नहीं आए थे, क्योंकि हमें पता है गणित तो सब जानते हैं, गणित सब पढ़ाते हैं, लेकिन जो मेन है वह गणित की भाषा, उसी सिखाने के लिए मैं आपके लाइव होता हूँ, उसी के लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसी के लिए आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, वरना किसी किताब से भी तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं। तो आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े, क्योंकि जब क्लास पढ़ाते हैं तो हम लोग क्लास की बात करते हैं, उसके अलावा अन्य कोई बात नहीं करते। आप लोगों को लगातार पढ़ा रहे तो आपको बात पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सवाल लिखते हैं। आज का जो सवाल होगा काफी मजेदार होगा, जायकेदार होगा, मसालेदार होगा, क्योंकि गणित है और गणित ऐसा होता ही है। लिखिएगा, एक परीक्षा में मुझे, दरअसल क्या होगा आपके साथ मुझे भी लिखना पड़ेगा, इसलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, 55% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, तथा 20% छात्र दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, 20% छात्र दोनों में या दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। तो बताएं कि इस परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। मैं प्रश्न को रिपीट करता हूं, एक परीक्षा में हिंदी में 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, गणित में 25% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहां से भी 2 प्रश्न बनेगा कि कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए या कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये तीनों 2 सवाल आपका बनेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए लाइव चल रही है और ये पेड क्लास के लिए चल रही है। अगर आप देख पा रहे तो ठीक है, नहीं तो ये केवल पेड क्लास के मेंबर देख पाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़ेगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, वहां से भी आप सभी को शेयर कर दीजिएगा, और इसी से ज्यादा हमने शेयर नहीं किया है, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। जहां भी आप देख रहे हैं वहां पे आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और कोई सवाल आपके मन में,
चलिए इसको हल करते, इसको हल करने का आसान तरीका बताऊंगा, बिना कोई नियम, बिना कोई फॉर्मूला, एकदम आसानी के साथ, ठीक है। लेकिन पहला काम, अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगा। कर भला तो हो भला, ये तो आप पहले से जानते हैं। आइए देखते हैं इसको हल करने का तरीका क्या है। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में, हलवा एकदम। देखिए मैंने एक डब्बा बना लिया, ये मैंने डब्बा बना लिया, बस दो काम करना है। अब पहला डब्बा क्या है, ठीक है, अब यहां क्या होगा, 40% या हिंदी हो गया, ये क्या हो गया, मैथ हो गया, ये हिंदी हो गया, ये मैथ हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे 40% छात्र हिंदी में पास है, 55% छात्र मैथ में पास है, लेकिन दोनों में कितने, 20% छात्र पास है। क्लियर, ये यहां तक ये डायग्राम जरा आप लोग समझ लीजिएगा। पहला ये समझ में आया, प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं, केवल डायग्राम समझिएगा, इसी डायग्राम से आप प्रश्न का उत्तर दे लेंगे, मेरी बात को खाली गौर समझिएगा। एक परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए थे, हमने पहले गोले में हिंदी कर दिया, हिंदी का गोला हो गया, फिर 55% छात्र गणित मैथ में उत्तीर्ण हुए थे, जबकि दोनों में 20% उत्तीर्ण हुए थे। ये आपको इतना डायग्राम समझ में आ गया, किसी कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, केवल हिंदी में कितने उत्तीर्ण थे, अब ये प्रश्न आया कि केवल हिंदी में कितने उत्तीर्ण थे, तो केवल हिंदी में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हिंदी कितना है 20, तो दोनों वाला निकाल देंगे, 20 निकाल देंगे, क्या बचेगा, 20% केवल हिंदी में पास है, केवल मैथ में कितने पास है, केवल मैथ में, तो इसमें से फिर 20 निकाल देंगे। क्यों 20 निकाल देंगे भैया, क्योंकि 20 तो दोनों में है ना, 20 निकाल देंगे, क्या बचेगा, 35। अब कुल कितने पास हैं, तो देखिएगा 20 हिंदी में पास हैं, 20 दोनों में पास हैं, 35 गणित में पास हैं, 20 40 और 35, 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण है। तो भैया फेल कितने हैं, तो हमें जानते हैं कुल परसेंट होता है 100, 100 में से अगर पास को निकाल देंगे तो कितना बचेंगे, फेल, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 25% है। कितनी है, 25%। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, जहां पे कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपको पूरा समझाएंगे। आराम से इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च कर ई-लर्निंग विद दुर्गेश से आप जुड़ सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो साथी जो फेसबुक पे देख रहे हैं सभी को शेयर कर दे, क्योंकि गणित एकदम आसान लगेगी, और मेरी गारंटी आपको, कभी भी गणित से आपको डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। गणित बहुत सारे जगह से पढ़ा होगा, बहुत सारे अध्यापकों से पढ़ा होगा, लेकिन ई-लर्निंग विद दुर्गेश से मुझसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, सभी को शेयर करिएगा, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार और समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 55% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए अर्थात पास हुए, जबकि 20% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। इस प्रकार इस परीक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। पहला गोला मैंने बनाया हिंदी का, दूसरा गोला बनाया मैंने किसका, मैथ का, जो बीच का हिस्सा है ये दोनों हो गए। तो हमने क्या लिखा, 40% हिंदी में पास थे, 25% गणित, 55% गणित में पास थे, दोनों में 20। अगर ये पूछा जाता कि मालिक केवल हिंदी में कितने पास थे, केवल हिंदी में कितने पास थे, तो आप क्या करेंगे, 40 तो पता था, दोनों का निकाल देंगे तो केवल हिंदी निकल जाएगा। जैसे आप दोनों का निकाल दिया जाए केवल हिंदी का ना बचेगा, वैसे गणित में से दोनों का निकाल दिया जाए तो केवल गणित का बचेगा। अब पास पास कितने हैं, केवल 20% हिंदी पास है, 20% दोनों पास है, 35% केवल गणित में पास है, कुल कितने पास है, 75%। परसेंट कितना होता है, 100। फेल कितने हुए, 100 - 75 कितना परसेंट, 25%। बस अभी प्रैक्टिस करते चलेंगे, आसान होते चलिए गणित, क्योंकि गणित अभ्यास पर है, जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा श्रम। लेकिन सारी गणित की सीरीज मेरा क्रम से देखिएगा, मैं बिना किसी रूल, बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी सूत्र का यहां तक गणित पढ़ाते हुए पूछा हूं, वो आगे भी आपका साथ रहेगा, तो ऐसे ही पढ़ाएंगे सारे चैप्टर, एक नहीं सारे चैप्टर बिना किताब के हम पढ़ाएंगे, और आप भी बिना किताब के पढ़ेंगे और किसी भी किताब से सवाल हल करेंगे, ये मेरी गारंटी है और ये जिम्मेदारी भी है। यहां तक हो गया, हम आगे बढ़े, लोग तैयार है सभी लोग,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का, आराम से ले लीजिएगा। अभी सवाल में काफी महत्वपूर्ण चीजें मैं जोड़ूंगा, काफी चीजें, अभी इतना हलवा मत समझिएगा, ये पूरा टॉपिक आज पूरा सेक्शन सेशन चलेगा ये। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। एक परीक्षा में विज्ञान में 53% छात्र, एक काम करिए नए पेज पर लिखते हैं, एक परीक्षा में साइंस में 53% छात्र पास हुए, ऐसे लिखिएगा, विज्ञान में 53% विद्यार्थी तथा मैथ में 64% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ध्यान रखिएगा, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी साइंस में, 64% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जिसको समझ में आ गया है वो भी बताएं, जिनको नहीं समझ में आया वो भी बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। शेयर करना मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल उन सभी लोगों तक पहुँच जाए। एकदम आसान, बिना किसी नियम, बिना किसी फॉर्मूले के गणित पढ़ना है, और सभी चैप्टर बहुत मामूली का प्रयोग करेंगे जहां आपको जरूरत हो। इस उम्र में कितना कोई फॉर्मूला याद करेगा यार, अब नौकरी करने को उम्र आ गया, अब क्या पूरी जिंदगी पढ़ना ही है, क्या हम लोग पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो बस, तो आप भी चलते रहिए, हम एक काम करते हैं, हम भी वीडियो को शेयर कर दे, पहला काम, अगर आप भी लाइव है तो आप भी शेयर कर दे भाई, फेसबुक पे लाइव है फेसबुक पे शेयर कर दे, यूट्यूब पे लाइव है यूट्यूब पे शेयर कर दे, जहां भी हमें लाइव देख रहे हैं सभी जगह शेयर कर दे। यकीन मानिए गणित आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी, क्योंकि हम आपके लिए आसान तो कर ही रहे हैं, और मैं जब तक हूं भैया मैं आप लोग को अपना बेस्ट दूंगा, और आप सबका आशीर्वाद है कि तो चले आगे बढ़े, चलिए इसको हल करते हैं, क्योंकि बहुत शेयर आप लोगों ने कर दिया, अच्छा लगा जी, लगभग ग्रुप में शेयर आपने कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में। ये हो गई आपकी एक चूड़ी, ये हो गई आपकी, देखिए कितना आसान भाषा में आप इसको हल करेंगे, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि 53% ये साइंस का गोला हो गया, ये हो गया आपका मैथ का गोला, क्लियर। अब साइंस में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपने कहा सर 53%, मैथ में कितने 64%, दोनों में कितने सर, आपने कहा 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, क्लियर। अब आते हैं इसकी कहानी आगे बढ़ेंगे, अब इसमें केवल साइंस में कितने उत्तीर्ण हैं, अगर ये पूछ लिया जाए कि भैया केवल साइंस में कितने परसेंट उत्तीर्ण है, तो केवल साइंस में क्या करेंगे, माइनस, क्या साइंस में निकालेंगे 40 निकाल देंगे, कितना बचेगा 13%। और केवल मैथ में अगर पूछा तो दोनों निकाल देंगे, भैया 64% है वो दोनों भी 40% है, केवल प्योर अगर मैथ में पूछेगा तो क्या करेंगे 40 घटा देंगे तो क्या आएगा 24। अगर इस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा होता कि केवल गणित में कितने पास थे, तो 24%, केवल विज्ञान में कितने पास थे 13%, दोनों में कितने पास थे 40, कुल कितने पास थे, अगर कुल कितने पास है ये पूछता, तो 13% प्लस 40% प्लस 24%, ये कुल पास वाले हो गए, पास कितने हो गए 3, 4, 3, 7, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 77% कुल पास है, 77% उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण पूछा है, ये तो पास वाले हो गए ना हमारी,
ये तो पास हो गए। अगर पूछता कुल कितने फेल हैं, तो कुल परसेंट अपने आप में 100 होता है। अगर 100 में से हम 77 घटा देते तो क्या मिलता, हमें मिलता 23%। तो ये क्या थे, ये फेल वाले थे, ये अनुत्तीर्ण थे। इसलिए यह क्लास इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं डेली क्लास के लिए तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, दुर्गेश ऐप सर्च कर ई-लर्निंग पे दुर्गेश से आप जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे दो प्रश्न बना, पास होंगे 77% और फेल होंगे 23%। क्लियर, या और हम इस पे सवाल बनाना शुरू करें। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसी प्रश्न को अब थोड़ा सा बढ़ाकर बोल रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? इसी प्रश्न को मैं अब भाषा बदल रहा हूं, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा लगाना होगा। तो आप लोग तैयार हैं? जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं। दूसरी बात, आप अगर रेगुलर क्लास मेरी पढ़ रहे होंगे तो और आसान लगेगी, लगे गणित यार इतना आसान कब से हो गया। हाँ, इतना आसान है, लिखिएगा। चलिए लिखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना, लिखिएगा। एक यही सेम सवाल बोल रहा हूं, लेकिन क्या परिवर्तन होगा वो मैं बोल रहा हूं। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी गणित में तथा 64% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 64% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, तथा दोनों में 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पांच सौ उन्तीस हो तो परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं दोबारा। एक परीक्षा में गणित में 53% विद्यार्थी तथा अंग्रेजी में 64% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि इस परीक्षा में 529 अभ्यर्थी छात्र फेल होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, तो इस परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे? ठीक है, आइए इस प्रश्न को मैं समझा रहा हूं, कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा, बहुत ही आसान समझाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में। जो जो लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताते रहेंगे समझ में आया या नहीं। आइए ध्यान से देखते हैं। पहले की प्रक्रिया आपको पता ही है, अब क्या करेंगे आप लोग, पहले दो चूड़ियां बनाएंगे। कितनी चूड़ियां? दो चूड़ियां बनाई जाएगी। ठीक, दोनों चूड़ियों में क्या क्या करना है, पहले में कितने पास थे 53, दूसरे में कितने पास थे 64, दोनों में कितने थे 40। अब केवल निकालना है तो क्या करेंगे, केवल में इसमें 40 घटा देंगे, इसमें से भी 40 घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 14। कुल कितने पास थे, तो भैया 13 + 40 + 24 = 77% पास थे। फेल कितने थे, फेल तो आप निकाल लेंगे, 100 - 77 = 23% फेल थे। अब यदि कह रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 529, तो भैया अनुत्तीर्ण कितने हैं, फेल कितने हैं, यहां फेल बराबर 23%, और फेल की संख्या कितनी दे रही है, तो भैया 23% बराबर कितना है, 529। तो 1% बराबर, मैंने पढ़ाया है, 1% बराबर 529/23,
पूछा क्या है, कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने होते हैं, 100% गुणे 100, 23 से काटेंगे 23 गुणे 100 करेंगे तो उस परीक्षा में कुल 2300 विद्यार्थी सम्मिलित थे। तो उस परीक्षा में 2300 विद्यार्थी सम्मिलित थे। अगर नहीं पूछता कि कुल गणित में कितने पास हुए, तो जहां 100 लिखे तो गणित में केवल कितने हुए, 40, तो गुणा 40 कर देते। अगर पूछता सारी अंग्रेजी, अगर पूछता केवल गणित में, तो गुणे 13 कर देते, ठीक, तो केवल केवल निकल जाता। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2300। जितने लोग को इस सवाल समझ में आ गया है वे सभी क्या लिखेंगे, वाई कमेंट करेंगे, और जितने लोग को नहीं आया वो लोग यन कमेंट करेंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। सभी लोग, जितने लोग लाइव आ रहे हैं सभी लोग कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करेंगे तो आपको सभी चीजें, नोट्स, पीडीएफ, लेक्चर, सूचना, सब कुछ आपको मिल जाएगी। अभी क्वेश्चन और हार्ड होगा मालिक, अभी इतना आसान मत सोचिए, सोच रहे बहुत सारी आसान पढ़ा रहे तो हमको आता है, जी नहीं, अभी इसी प्रश्न को मैं और कड़ा कर सकता हूँ, मैं कड़ा करके दिखाऊं, अब विश्वास दिखे यही प्रश्न और कड़ा भी हो सकता है और कठिन भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। चलिए मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा कड़ा करता हूँ, देखता हूँ अब कौन लगाता है, यही सेम प्रश्न बोलूंगा। चलिए लिखेंगे आप लोग, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। जो वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, डेली क्लास देख रहे होंगे, उनको कभी भी दिक्कत गणित में आ ही नहीं सकती, इससे आसान भाषा में नहीं पढ़ाया जा सकता, लिखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो रेगुलर देखा करिए, एक दिन देखेंगे तो फिर कहेंगे आज तक मैंने एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया। जितने लोग डेली क्लास के मेंबर होंगे बता दो, लिखिएगा ध्यान से, लिखिएगा ध्यान से, ये परीक्षा, ये प्रश्न जो है भाषा केवल बदलेगी, उत्तर भी सेम आएगा। एक परीक्षा में 53% छात्र गणित में तथा 64% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि दोनों विषयों में 60% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे, कहेंगे सर इस सवाल में क्या विशेष है, विशेष क्या है, इसके पहले सभी उत्तीर्ण होते थे, लेकिन इस बार क्या है, सभी उत्तीर्ण नहीं है, दो उत्तीर्ण है और एक अनुत्तीर्ण है, अब कैसे लगाएंगे। प्रश्न से संबंधित अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछेगा, अन्य कोई बात क्लास खत्म होने के बाद पूछेगा, क्योंकि मैं अपने बाप की नहीं सुनता पढ़ाते समय, क्योंकि पढ़ाते समय एक मोटो है पढ़ाना, और आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आए तो पढ़िएगा, बात करने के लिए आए हो तो भैया जयराम जी की आप जाइए, क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे आते हैं और हम पढ़ने वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको नौकरी करना है, बाकी टाइम पास जिनको करना है वो जा सकते हैं, हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है उन सभी से, क्योंकि मेरा एक मोटो है सिलेक्शन के लिए पढ़ाना, और जब पढ़ाता हूँ तो बस उस समय केवल केवल काम पढ़ाने का, कोई अन्य बात पे कोई टॉपिक नहीं। आप पढ़ाई संबंधित, आज के क्लास संबंधित कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपका एक नहीं 100 बार जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप बात करने की इच्छुक होंगे सर मेरा ये बताइए मेरा ये प्रश्न बताइए, तो भैया मैं सवाल जवाब देने नहीं आया, मैं पढ़ाने आया हूं, अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं, बाकी प्रश्न के जवाब मैं दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, ताकि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी पढ़ लें, उनका जो मोटो पूरा हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं, यहां तो समझ में आ रहा है ना, आप लोग उत्तर बताएंगे, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी गणित में और 64% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 60% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे, क्या आप लोग लगा लेंगे या मैं हल करके बताऊंगा आपको। ये दोनों बातें आपके साथ हैं, ये दोनों बातें आपके समकक्ष हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए जो भी करना है, ताकि हम तेजी से करें, हमें सिलेक्शन देना, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं, पर इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि आपसे बातें ही करते रहे, पता है। आइए देखिए मैं हल करता हूं, बात को समझिएगा, एकदम आसान है,
केवल केवल शब्द का फेर है और शब्द को ही समझना है। इस प्रश्न को दो तरीके से लगाएंगे, इस प्रश्न को कितने लगाएंगे, दो तरीके से लगाएंगे। कितने तरीके से, दो तरीके से। आइए दोनों तरीका देखते हैं कौन कौन है। पहला तरीका, पहले यहां तो देखिएगा पहला क्या कर रहा है, मैथ साइंस बोथ माने दोनों में, मैथ में कितने पास हैं, तो कह रहा सर 53% पास है, ये प्लस माने पास लगा रहा है। साइंस में कितने हैं सर, प्लस 64% पास है। भैया दोनों में कितने पास हैं, तो पता चला भैया जो ये दोनों वाला सिस्टम है ये पास नहीं है, ये फेल वाला है। कितने परसेंट फेल है, 60%। देखिए इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, या तो दोनों को पास करो या तो दोनों को फेल करो। मेरी बात गौर सुनिएगा, या तो दोनों को पास करो या दोनों को फेल करो। कैसे, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। दोनों पास होंगे दोनों फेल होंगे। मैं यहां पे एक गोला बनाया, एक तरीका हो गया हल करने का। अब मैं दूसरा तरीका भी यहां पे ला रहा हूं आपके लिए। ठीक है, मैं इस प्रश्न को दो तरीके से हल करूंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई नियम परिवर्तन नहीं, केवल शब्द को ही तोड़ूंगा, जो शब्द पूछा है शब्द को तोड़ दूंगा, आपका उत्तर आएगा। ठीक है, आइए देखिए, क्योंकि सारा खेल शब्द का है। यहां कह रहा है कि पहले देखिए, यहां पे जो मैं लगाऊंगा सब पास, सबको पास करूंगा, यहां पे जो है यहां पे फेल करूंगा। देखिएगा यही प्रश्न है, केवल कोई बदलाव नहीं होगा। कह रहा है कि 53% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, जबकि 64% विद्यार्थी विज्ञान में पास, लेकिन दोनों में फेल हुए हैं। अच्छा जरा कमेंट करके बताइए, अगर एक परीक्षा में 60% फेल है तो पास कितने हुए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी फेल है तो पास कितने हुए, बताइए। दोनों विषयों में 60% फेल है तो पास कितने होंगे, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कितने होंगे। अरे यार 100-60 तो क्या हो गया, 40%, ये हो गया पास। अब आइए फेल करते हैं, देखिए सर वाह क्या प्रश्न था। अब आइए फेल करते हैं, अगर किसी परीक्षा में सभी या सब पास हो गए, अब इसको लगा दीजिए, अब यार सबको फेल करते हैं, यहाँ पे सबको फेल। अगर 53% विद्यार्थी गणित में पास है तो कितने परसेंट गणित में फेल हुए, कितने परसेंट फेल हुए, भैया 100 में से 53 गया तो कितना बचा, ये हो गया 47%, 47% यहाँ, और ये 64% पास है तो फेल कितने हुए, 36%, और दोनों फेल कितने हुए, 60%। अब यहां से लगाएंगे तो केवल पास निकलेंगे, और यहां से लगाएंगे तो केवल फेल निकलेंगे। अब जल्दी से प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, मैंने आपको दोनों विधि बता दिया, पास से कैसे निकालेंगे और फेल वालों से कैसे निकालेंगे। और जैसे आप निकाल लिया, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गए। यही प्रश्न निर्णय कर देगा कि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। सोचिए कितना मजेदार प्रश्न है, मैंने जो आपको जो पढ़ाया, बिना किसी नियम बिना किसी फॉर्मूले, केवल शब्दों को तोड़ना मरोड़ना था, और हमने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा और आपके सामने परोस दिया। आइए देखते हैं हल करके, अब यहाँ पे क्या होगा, 53 है तो 40 निकाल देंगे, यहाँ से भी 40 निकाल देंगे, तो ये क्या बचेगा, 13, और ये कितना बचेगा, 64 में 40 गया तो 24, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 13 + 40 + 24, तो यहाँ पे हमने देखा कि 77% पास है। यहाँ पे लगाएंगे अब यहाँ पे इसका उल्टा नियम काम, यहाँ पे क्या 47 है तो 60 घटाएंगे, तो माइनस कितना आएगा, ये कितना आएगा 13 आएगा, ये आएगा -13, ये कितना है 36 है, 60 घटाएंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। अब आइए जोड़ते हैं, ये माइनस में आ रहा है, तो भैया -13 + 60 - 24 जोड़ेंगे क्या होगा, 24 और 13, 37 में से 60 गया तो क्या हो जाएगा 23%, तो जो फेल निकलेंगे वो 23%। अगर आपको पास निकालना है तो भैया 100 में से 23 निकाल दिए तो क्या होगा 77%, ये पास हो गए। फेल कितने, 23। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने भी लोग भी लाइव देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे लाइव देख, कहीं भी आप लाइव देख रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा तिबारा समझाऊंगा तब तक जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। लेकिन आपके प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, भविष्य में कभी भी कहीं से।
ध्यान से समझ लीजिएगा जी हाँ। और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, उसके लिए आप दुर्गेश सर सर्च कर दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा टेलीग्राम पे। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके अन्य क्लास की जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, जो लोग लाइव है स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, जितने लोग लाइव हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें जी हाँ। ये पिट क्लास के लिए क्लास चल रही है, समझ में आया? मैं दोबारा समझाऊं, आप लोगों को समझ में आ गया या मैं दोबारा समझाऊं? जितने लोग लाइव है कितना बताएं कि आपको समझ में आ गया या मैं समझाऊं? ध्यान से पूरा पढ़िएगा, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, बस पास को पास की तरफ फेल को फेल, यही याद रखना है कि पास पास एक तरफ रहेंगे, फेल फेल, अगर सबको फेल करें सब फेल रहेंगे, सबको पास करें सबको पास करिए, अगर एक फेल और एक पास करेंगे सवाल गलत हो जाएगा। एक ही बिरादरी सबको बिया करा दीजिए, प्लस का प्लस से माइनस सबको, याद रखिएगा इधर मैंने सबको फेल किया इधर मैंने सबको पास किया, और 100 है सारा परसेंट 100 में है, सारा खेल 100 का। मैंने स्टार्टिंग से पहले से बताया कि पूरे परसेंटेज में पूरा 100 का खेल है, चाहे परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, बट्टा हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज, सब जगह पूरा खेल एक नंबर ही 100 का है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे सवाल बोले, उसी गलती तो नहीं होगी ना? चलिए सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, जितने लोग लाइन में सवाल लिखे सब लिखेंगे ना, तैयार है? असल को सवाल बनानी पड़ती है ना, इसीलिए दिक्कत होती है। अगले पेज पे चले, अगर आप कहें तो अगले पेज पे चले। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि एक बार मैं फिर से समझा दूं, फेसबुक के कमेंट आया है, एक बार फिर से समझा दूं, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, मेरी बात को गौर समझिएगा ध्यान से, ठीक, एक बार मैं और समझा देता हूं ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न क्या था कि एक परीक्षा में, ध्यान सुनिए पहले, एक परीक्षा में 53% छात्र गणित में, 64% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 60% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, इस प्रकार इस परीक्षा में कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? हमने यहाँ पे लिख लिया, इसमें इस गोले में, वाइट गोले में सबको मैंने पास किया, पास करने के लिए दिया है, 53% पास हुए गणित में, 64% विज्ञान में, दोनों में कितने पास हुए? जब दोनों में 60 फेल है तो पास कितने होंगे? 100 - 60 तो 40% क्या होंगे? तो 40% क्या निकल गया आपके पास, ये पूरा पास हो गया। अब फेल वाले कैसे निकालेंगे? अब भैया इसमें क्या है, 60% दोनों फेल है, दोनों वाला आ गया, अगर 53% गणित में पास है तो गणित में कितने फेल हुए? 100 में से 53 47%। फिर देखिए विज्ञान में 64% पास है और फेल कितने? 100 में 64 घटा देंगे जो बचे फेल, भाई 100% कुल होता है, अगर उसमें से 64 पास है फेल कितने में? 36। अब ये सब क्या हो गए? फेल हो गए, और सभी को जोड़ दिया 23% आ गए, 23% फेल हो गए, क्योंकि ये माइनस में आएगा और ये प्लस में है, 23% फेल, पास कितने हैं? जब 23% फेल है तो 100 में 23 निकल गया, बचा कितना? 77 पास हुए। अब किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? पूछ सकते हैं मालिक, आप लोग तो 10 बार पूछेंगे मैं 10 बार बताऊंगा, 20 बार पूछेंगे मैं 20 बार बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको बताना है, हल कराना है, समझाना है, ताकि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कभी गलत ना होने पाए। मेरा ये पहला उद्देश्य है, मेरा ये पहला टारगेट है। इसके बाद कोई किताब पढ़े आप, किसी भी किताब से प्रश्न हल करें, आपके सवाल सही होने चाहिए, ये मेरा पहला उद्देश्य है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत कोई समस्या? एक प्रश्न और लेते हैं, एक या दो प्रश्न, उसके बाद आज की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, मैं उम्मीद करता हूं। लिखेगा लिखेगा, एक परीक्षा में हिंदी में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे लिखे 40% विद्यार्थी, जबकि अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, अंग्रेजी में 40, हिंदी में 40, अंग्रेजी में 60 अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो इस परीक्षा में
तो इस परीक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, इस परीक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, बस कमेंट करके बताइए सभी लोग। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, सभी लोग चाहे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, आप शेयर नहीं करते क्योंकि लगता है आपको पैसे कट जाएंगे, इसलिए आप शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करिए, लोगों तक तो पहुंचाया करिए, अच्छी चीज है। अगर समझ में आ रहा है कि मैं सही समझा रहा हूँ, मैं अच्छा समझा रहा हूँ, मैं बिना किसी नियम फॉर्मूले गणित इतनी दूर तक आपको पढ़ा दिया, तो शेयर करा करिए, बिना कहे लोगों को बताया करिए, जल्दी फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा, इसको हल करिए। सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, सभी लोग ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न भूल गया यार, क्या क्या मैं बोला था, अनुत्तीर्ण सब बोला है, तो भैया ये हो जाएंगे 40% अनुत्तीर्ण थे, ये 60% थे, ये 25% थे, सब अनुत्तीर्ण है, सब फेल है, सब जितने हैं इसमें सब फेल है। इसमें केवल इसमें कितने फेल होंगे 15, यहाँ पे कितने फेल होंगे केवल 35, कुल कितने फेल होंगे 15 + 25 + 35, कुल कितने फेल हुए 15, 25, 50 और 35, 85% कुल फेल हुए, कुल अनुत्तीर्ण कितने हुए 85, कितने हुए 85, क्लियर, सबको उत्तर आ गए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं क्या सभी के जवाब आ गए, सभी के जवाब आ गए, क्लियर हुआ। देखिए 40% फेल थे मान लीजिए हिंदी में और 60% फेल थे इंग्लिश में, दोनों में कितने फेल थे 25, तो केवल हिंदी में कितने फेल थे 15%, केवल इंग्लिश में कितने फेल थे 35, कुल कितने फेल थे 15, 25 और 35, कुल 85% फेल थे, पास पूछ था तो 15%, क्लियर हो गया। अब इसके प्रश्न की जब सीरीज लेकर आएंगे तब वहां पे इसके दिए गए प्रश्नों की जो सीरीज में जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा उसे और समझा देंगे, अगर आप कहें तो एक आध प्रश्न और बोले, वरना बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी इच्छा जो लाइव देख रहे हैं वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, किसी कारणवश अगर आप इसे लाइव नहीं देख पाते हो तो इसे बाद में ऐसा कर देंगे या बाद में भी इसे देख पाएंगे, ये लाइव ही क्लास है, लेकिन आपको कैसे मिल रही है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो घबराया ना करिएगा कि क्लास कैसी है, जी हाँ ये लाइव क्लास ही है, बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट करके बताइए। 15-25 घटाने में गड़बड़ हो गया क्या कहीं, 25 में से 40 मिल गया 15% और ये 25 हो गया, और 60 में से 25 गया 35 होगा ना, 35 और 15 50 और 75 होगा मालिक, हाँ भैया ठीक है, हमको देखो कैलकुलेशन नहीं आता, हमको कैलकुलेशन नहीं आता इसलिए लोग कहेंगे गलत बता दिए, भैया 75 होंगे मालिक। अब मैं कराऊंगा टफ कराऊंगा, अब मैं सरल प्रश्न नहीं कराऊंगा, अब मैं धीरे टफ कराऊंगा, अब ये मत सोचिएगा मैं इजी ही कराऊंगा, अब मैं इसमें पता है इसमें बहुत सारे पैटर्न है, ऐसा नहीं है अभी इसमें एक को पास करेंगे बाकी को फेल कर देंगे, ऐसे कई तरह के प्रश्न है, लिखना चाहेंगे क्या, लिखिएगा लिखिएगा लिखिए, अच्छा एक प्रश्न और लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, तथा 25% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, तो बताएं कि यदि इस परीक्षा में कुल 550 अभ्यर्थी 550 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो अनुत्तीर्ण हुए हो 550 नहीं 1500 लिखेगा, यदि 1500 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हो तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं
किसी ने पूछा सर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, मैंने हल किसमें किया है, अनुत्तीर्ण में। उत्तर क्या आएगा, अनुत्तीर्ण आएगा। मैंने यहाँ सभी को फेल किया है ना, जब सभी को फेल करेंगे उत्तर फेल में आएगा, सभी को पास कर तो उत्तर पास में आता। अब इस प्रश्न में जो अभी मैंने बोला है इसमें तो भैया एक बात तो है, इसमें पहला फेल है बाकी सब पास ना, पहला फेल है ना, मैं भूल गया, पहला फेल है कि पहला पास है, पहला पास है पहला फेल है, मैं भूल गया खुद ही, मैं प्रश्न बोला मैं भूल गया, जरा कमेंट कर जल्दी से बता दें जितने लोगों ने प्रश्न लिखा, पहला पास था या फेल था, पहला पास था बाकी सब फेल थे। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ मैंने प्रश्न कैसे बोला, इसको दो तरीके से हल करूंगा मैं भी, भैया पहले एक दो प्रश्न तो भूल जाऊंगा, पहले कितने थे देखिएगा, पहले हिंदी था तो हिंदी में प्लस 60% विद्यार्थी पास हुए, इंग्लिश में फेल हुए, कितने फेल हुए 60%, दोनों में कितने फेल हुए बोथ, तो दोनों में 25% फेल हुए, दोनों में 25% फेल हुए, दोनों में क्या हुए 25% फेल हुए। तो आप बताइए कि इस परीक्षा में यदि कुल विद्यार्थी फेल होने वाले की संख्या 1500 है, तो भाई फेल वालों की संख्या कितनी है 1500, तो कुल विद्यार्थी कितने थे, यदि फेल वाले कुल 1500 थे तो भैया कुल विद्यार्थी क्या थे, तो भैया लगाइए इतने सवाल है, मैं बताओ सोचता हूँ कि सर बिना किताब कैसे पढ़ाते, देखिए क्वेश्चन सेट करना, अगर आपके दिमाग में उसका पैटर्न सेट है तो आप क्वेश्चन को चाहे इससे बना सकते हैं, चाहे इससे लगा सकते हैं आराम से एकदम। अच्छा इसको फेल कर लीजिएगा, दोनों में फेल 25% है, दो को फेल करिए, ओह माय गॉड अब दिक्कत हो जाएगा, अब लाइट कट गई, पहले प्रश्न का रिवीजन भी नहीं करा आपका, यही दिक्कत होती है गरीबी माटा गीला होना, इसी क्या कहते हैं गरीबी माटा गीला होना। आइए मैं आपको बता देता हूँ आप लोग से हल कर लेंगे एकदम आसानी से, चाय पीते हुए मैं आपको बता दूँ क्योंकि सपोर्ट ने अभी चाय भी नहीं पी, अपने पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिएगा ध्यान सुनिएगा, एक पास था दो फेल थे, या तो सबको पास करिए तो सबको फेल करिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, या तो सबको पास करिए या तो सबको फेल करिए, कह रहा है फेल करना है तो कह रहा है कि हिंदी में 60% विद्यार्थी पास है तो उसको पास रहने दीजिएगा, कह रहा है फिर गणित संस्कृत में 60% फेल है तो उसको पास कर दीजिए, 40% हो गया, 100 में 60 गया 40 हो गया, और कह रहा है 25% अगर दोनों फेल कर रहा है तो पास करिए 75, अगर पास है तो उसको वही रख दीजिए, क्योंकि तीनों आंकड़े एक जैसे होने चाहिए, अगर एक फेल है दो पास थे तो सबको पास कर दीजिए, पहला 60% पास है कौन हिंदी, संस्कृत वाला कितना 60 फेल था तो 40 पास हुआ, और 25 दोनों में पास है तो 25 दोनों लिख दीजिए, अब पास पास हो गए, सबको फेल करना है तो भैया पहला क्या है 60% पास है तो 40% पहला फेल हुआ अनुत्तीर्ण हुआ, दूसरे का अनुत्तीर्ण दिया ही है कि भैया 60% अनुत्तीर्ण है, फिर दोनों में कितना अनुत्तीर्ण है 25%, तो इस प्रकार से आप प्रश्न लगा लेंगे, जो फेल का परसेंट आएगा बराबर 1500 लिखेंगे, 1% निकालेंगे, 100% का गुणा कर देंगे, कुल छात्र आपका निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में लाइट इन्वर्टर दोनों धोखा के इन्वर्टर से पढ़ा रहे थे, लाइट धोखा देके चली गई, इन्वर्टर दे दी क्योंकि लाइट तो था ही, सॉरी इन्वर्टर पढ़ा रहे थे और लाइट धोखा देके चली गई, ठीक है। तो आप इसके कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा और इसकी सभी सूचना हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, कोई भी क्लास की कोई भी नोटिफिकेशन होती है हमारी टीम आपको टेलीग्राम पे सूचना दे देगी, जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके आप ई लर्निंग दुर्गेश हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, कहाँ से दुर्गेश सर से आप लोग जुड़े रह सकते हैं, और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, लोगों को बताइएगा, ठीक है। तो ये पेड क्लास आप लोग की चल रही थी, पेड क्लास बिजली लाइट कट गई, तो इसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, कल इस सवाल के बाद तो सभी को पास करेगा सभी को फेल करिएगा। मैंने बोला था ना एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में पास है बाकी फेल, फेल बोला था ना, बाकी 40% 60% विद्यार्थी संस्कृत में अनुत्तीर्ण है और 25% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो कुल कितने अनुत्तीर्ण है तो आप लगा सकते हैं, पहला 60 उसको पास, उसको 40 फेल कर दीजिए, 60 पास है 40 फेल कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप सवाल लगा लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा, ये पेट क्लास के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप लोग अगर आपने ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइन करने का आप मेरा सहयोग भी करते रहेंगे और जितनी बड़ी लेक्चर होगी पूरा आप लोग अटेंड करेंगे पढ़ेंगे भी, तो आप ऑनलाइन क्लास से जरूर जुड़िएगा, इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, लोगों तक वीडियो दीजिएगा, लोगों तक बताइएगा लेने भी दुर्गेश के बारे में, और हम आपके साथ अभी अपना साथ बरकरार रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, और टेलीग्राम इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश, जुड़े रहिएगा इलेनी विद दुर्गेश साथ, हम आपके तब तक साथ है जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए।